नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्वाति पाल, कंसल्टेंट एंड फिजिशियन एट बी क्लिनिक कानपुर। मैं आप लोगों से अपने एक पेशेंट का केस डिस्कस करना चाहती हूं, जिनका नाम था शैलेश कुमार। इनकी समस्या मुख्यतः फिशुला की थी। इनके रेक्टम एरिया में एक्सटर्नल बॉयल्स थे, जिसमें पस भर जाता था। पस बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बदबूदार था। पस कभी कभी गाढ़ा आता था और कभी कभी पानी जैसा पतला भी हो जाता था। इसके साथ साथ कभी कभी उससे ब्लड का भी रिसाव होने लगता था। और जब भी इसमें पस भरता था तो उस दौरान इनको दर्द बहुत ज़्यादा होता था। उठने बैठने में बहुत तकलीफ रहती थी। पेट भी साफ नहीं हो पाता था। फ्रेश होने के लिए दिन में लगभग 3 से 4 बार जाना पड़ता था। इस समस्या से लगभग 3 साल से परेशान थे। ऑनलाइन माध्यम के जरिए उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और दवाइयाँ ली। 2 महीने के इलाज के बाद आज ये 80% तक ठीक हो गए हैं। आइए सुनते हैं इनका फीडबैक। हेलो। हाँ जी, शैलेश कुमार से बात हो रही है? हो रही है जी। नमस्कार सर, मैं वी क्लिनिक कानपुर से बात कर रहा हूँ। ये फीडबैक वाली कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है सर? जी जी अभी अभी कैसे हैं सर, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो रही है क्या? नहीं, अभी तो ठीक है। अच्छा अच्छा मतलब क्या पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं आप? नहीं, पूरी तरीके से तो नहीं ठीक हुए हैं। अभी तो इस महीने भी दवा का ऑर्डर गया, अभी तो 18-19 को आएगा। अच्छा 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 मतलब अभी 80 से 90% तक ठीक है। हाँ, 80% मान के चलिए। अच्छा अच्छा, मेडिसिन मतलब ले रहे हैं ना फिलहाल अभी तो? हाँ ले रहे हैं। अच्छा, पहले आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी सर मेडिसिन लेने से पहले? जो बवासीर का प्रॉब्लम था जी। जी अच्छा, वही प्रॉब्लम मतलब आपको जलन चिकन की प्रॉब्लम थी, मस्से थे आपके? जी जी। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना किसी प्रकार की थोड़ी बहुत भी? ना, अभी अभी प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। बाकी हमारे यहाँ से आपको रेगुलर कॉल आता है सर? टाइम टाइम से पूछा जाता है आपसे आराम है कि नहीं, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ नहीं, आता है। आता है ना, ठीक है सर। अपना ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम तो कॉल करेगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर। यदि आपको भी पाइल्स फिशर फ्यूशला जैसे किसी भी बीमारी संबंधित कोई भी परेशानी हो रही है, जैसे कि रेक्टम एरिया में दर्द का घंटों बने रहना, लैटिन के दौरान ब्लड का आना, या फिर मवाद का डिस्चार्ज होना, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे उचित परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।